टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एक दिन पहले कुल 5 मेडल हासिल किए, जिसमें 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं। निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता तो सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। इसके अलावा डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में आए हैं। हरियाणा के रहने वाले सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। मन में मेरा 70 मीटर टच करने का था, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने एक ही कॉम्पिटिशन में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इस खुशी के मौके पर अवनी से न्यूज 18 ने फोन पर बात की। I'm very happy. I'm so grateful and elated. I feel like I'm on top of the world. I can't express my feelings. ये आप सबका आशीर्वाद है, पूरा इंडिया का जो सपोर्ट है उसी की वजह से। I would like to dedicate my award, the medal to all the Indians. प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अक्षय कुमार तक ने अवनी को ट्वीट कर सुंदर सिंह गुर्जर से भी फोन पर बात की। पैरालंपिक्स में 3रा मेडल जीतने पर मुझे बहुत खुशी है और सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे परिवार ने जो मेरा सहयोग दिया, मेरे माता पिता ने मुझे ग्राउंड पे भेजा एक डिफरेंट लेवल होते हुए भी, और उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे कोच सुनील तंवर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को लगातार ट्रेनिंग करवाई 5 साल तक, और मेरे फिटनेस कोच, पूरी टीम, स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। आने से पहले हमें जो उन्होंने सपोर्ट किया, यही वजह है राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझरिया को 2 करोड़ और सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। एक दिन पहले ही नेशनल स्पोर्ट्स डे का दिन टोक्यो पैरालंपिक्स भारत के लिए लकी साबित हुआ था और उसकी अगली सुबह यानी आज भारत की गोल्डन मॉर्निंग हुई क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। 19 साल की अवनी लेखरा ने भारत को 2021 टोक्यो पैरालंपिक का पहला गोल्ड दिलाया, जबकि देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल और सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को खुशी का तोहफा दे दिया। पैरालंपिक्स में एक ही दिन में 3 तरह के मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलने से ये पैरालंपिक भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक बन गया है। इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक और 1984 में हुए ओलंपिक में भारत ने 4-4 मेडल जीते थे। 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया इस बार गोल्ड से चूक गए और उनको सिल्वर से संतोष करना पड़ा, फिर भी वो मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। जिसकी खबर आई तो जयपुर में उनके परिवार में जश्न मनाया जाने लगा। हाँ, बिल्कुल, वादा करके गए थे कि मेडल लेके आऊंगा और ले भी आए, अपना वादा पूरा भी कर दिया। बेटा की बहुत बधाई है, दुनिया को नाम रोशन कर दियो आज अमेरिका में। फिर भी पैरालंपिक्स में सिल्वर हासिल करने वाले योगेश कथुनिया को 2006 में पैरालिसिस हो गया था। 2016 में उन्होंने खेलना शुरू किया और पहली बार पैरालंपिक्स का हिस्सा बनते ही मेडल अपने नाम कर लिया। हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर 2रा स्थान हासिल किया। खुशी से परिवार के लोग झूम उठे। जन्माष्टमी के मौके पर मिले ऐसे तोहफे ने योगेश के पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मेडल जीत के तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, और सभी देशवासियों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो सबने मेरे दुआ करी थी, मेरी दुआ सफल हो गई। जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर के घर भी ढोल नगाड़े बजे। सुंदर गुर्जर 2015 तक सामान्य वर्ग की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, लेकिन एक दुर्घटना में बाएं हाथ की कलाई खो देने के बाद वो पैरालंपिक का हिस्सा बने और यहाँ भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं।